डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना पूर्णकालिक बजट आज पेश कर दिया है। बजट में 3,65,000 करोड़ के वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। बजट में एससी एसटी ओबीसी वर्ग या महिलाओं पर खास ध्यान रखा गया है। व्यापारी वर्ग को इस बजट से क्या मिला है, हमारे साथ बात करने के लिए जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और भी कई संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा शुरू करते हैं, बात करते हैं कि इस बजट को वो व्यापारियों के लिहाज से कैसा दिखते। सर बिल्कुल बताइए कि आप इस बजट को कितने नंबर देंगे। मैं इसको 60 में से 60 नंबर दूंगा जी। कारण कि बजट के अंदर सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है। मध्य प्रदेश मिनरल्स के मामले में उड़ीसा के बाद सेकंड स्टेट है। यहाँ मिनरल्स का कोई उद्योग के लिए इन्होंने कोई वो चीज नहीं बनाई। 3,65,000 में 1,00,000 करोड़ तो तुम लायबिलिटी लोगे, तो लाभार्थी वर्ग को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए तुम 1,00,000 करोड़ रुपए लोगे और मध्यम वर्ग उसके ऊपर झेलेगा। आज जो इसके पहले हर इंसान मध्य प्रदेश का 42,000 का कर्जदार था, ये 1,00,000 के कर्जा लेने 1,00,000 करोड़ का कर्जा लेने से वो 50,000 या 60,000 रुपए का कर्जदार हो गया। तो कर्जा लेके घी खाने वाली जो योजना है, इससे मैं यही समझता हूँ सत्ता में बने रहने के लिए आपने ये बजट पेश किया है। मतलब आपका कहना है कि सत्ता में बने रहने के लिए, हालांकि अभी चुनाव में नहीं जाना, सरकार को ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि सत्ता में बने रहने के लिए वो ये बजट लाती, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये बजट उस हिसाब से लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देने वाला है। हमारे साथ कमल ग्रोवर जी, उनसे पूछते हैं, ये बताइए भैया कि ये जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार का बजट था, पहला बजट है, नई सरकार बनी है शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद, क्या लगता है कि जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे हैं इस बजट के माध्यम से देखें। देखिए, आम जनता कोई भी बजट आने के पहले सिर्फ इससे भयभीत रहती है कि कोई नया टैक्स ना लग जाए, जो कि इस सरकार ने एक पैसे का भी टैक्स किसी भी वर्ग के लोगों पे नहीं लगाया, जो कि बहुत अच्छा कार्य किया। दूसरी चीज, जिस तरह की हमारे भाई कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग को क्या मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसे इन्वॉल्व होंगे, एक मकान को बनाने में 150 चीजें लगती है, 150 इंडस्ट्री को काम मिलेगा, 150 दुकानदारों को काम मिलेगा, टैक्स की भी कमाई होती है। तो और इस बजट में विशेष रूप से महिलाओं का ध्यान रखा गया, किसानों का ध्यान रखा गया, सिंचाई की योजनाओं का ध्यान रखा गया, घर घर जल पहुंचाने की जो इनकी नीति है उस पर ध्यान रखा गया, जो कि अब स्वास्थ्य पे 34% इन लोगों ने बजट को बढ़ाया। सरकार का सबसे पहला कर्तव्य होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों पे इन लोगों ने अच्छा काम किया है, आगे के लिए अच्छा होगा। एक संतुलित बजट है, इसको आप बुरा भी नहीं कह सकते और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, एक संतुलित बजट है जिससे ना किसी को लाभ हो रहा है ना किसी को हानि हो रही है। तो नीचे के वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया, मतलब जो चल रहा है चलने दीजिए वाला बजट है, करीब करीब आप ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए, कमल भाई का कहना है कि जो चल रहा है वो चलने वाला बजट है। मेरे साथ अभिषेक ध्यानी जी हैं, टैक्स के जानकार हैं, उनसे हम बात करते हैं कि अभिषेक बताइए जो इतना सारा आज की सरकारें लोक लुभावन फ्रीबीज पे बहुत सारा पैसा होता है, बजट में भी फ्रीबीज पे बहुत सारा प्रावधान किया गया है, तो ये क्या लगता है कि नई सरकार थी, क्या ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार थोड़े सख्त निर्णय लेगी, लेकिन उस मोर्चे पे फेल हो गई और फ्रीबीज पे ही फोकस है इस बजट पे। अभी भी सरकार का फ्रीबीज पे ही फोकस है। आप देखिए कि 46% की जब राजस्व की बढ़ोतरी होती है जीएसटी में, और उसके पैसे से लाडली बहना लक्ष्मी योजना का पेमेंट किया जा रहा है, सो व्हाट अबाउट दोस इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे उद्योग लगाए हैं और वो फ्रीबीज में बांटा जा रहा है। देखिए, 3,65,000 करोड़ का बजट, 16% की बढ़ोतरी, लेकिन बट एट दी सेम लेवल 55,708 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट, जो कि 4% है जीएसडीपी का। सरकार इस पे चुप है। और इस प्रदेश में मैं जबलपुर को औद्योगिक विकास के तहत बड़ा ही पीछे मानता हूँ। आप देखिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूरे मध्य प्रदेश के लिए सेम रहती है, लेकिन जबलपुर क्यों नहीं बढ़ पाया? जबलपुर के आसपास और खुद के क्षेत्रों में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, यहाँ पे वेजेस से लेके हर चीजें मिल पाती है, तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं आ पाते? उसका मुख्य कारण, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत ही आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं और इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। सरकार का ज्यादातर ध्यान भोपाल, इंदौर, ग्वालियर तरफ है, जबलपुर पे थोड़ा सा आप अपना विकास का ध्यान रखिए तो जबलपुर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आगे बढ़े, ये मेरा सोचना है। मतलब जबलपुर के जो जख्मों पर बहुत सालों से मलहम लगाने का काम इस सरकार ने भी नहीं बिल्कुल नहीं किया है। देखिए, घोषणाएं सारी सरकार करती है अपने बजट में,
पहला बजट था, घोषणाएं होनी जरूरी थी, लेकिन कितना सार्थक और सिद्ध होगा ये आने वाले साल बताएंगे कि सिर्फ ये घोषणाओं का बजट था कि वास्तविकता में ये जो बजट में कहा गया है इससे आम जनों को फायदा हुआ है। टैक्स नहीं बढ़ाना गुड इनिशिएटिव, बट एट द सेम लेवल टैक्स नहीं बढ़ाने से कुछ हमको उसमें कुछ ऐसा लगता है, लगता है कि राज्य सरकार का टैक्स बढ़ाने का कोई अब विकल्प भी नहीं है। विकल्प किस चीज पे? देखिए आज ये देखिए ये कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते। लेकिन आप ये देखिए कि अगर इसमें 46% की ग्रोथ थी तो इस पैसे का अगर यूटिलाइजेशन कहीं और किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। आपने खबर में पढ़ा भी कि ये 46% की ग्रोथ के पैसे से सरकार ने कहा कि हम लाडली बहना के तहत हम पैसा दे पाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार को अब सख्त निर्णय लेना चाहिए अगर उसको अपना राजकोषीय घाटा कम करना है तो। देखिए सरकार को सख्त निर्णय लेने की जरूरत है, कह रहे हैं अभिषेक भाई। हमारे साथ दीपक सेठी जी हैं जो रिटेल व्यापार से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जुड़े। दीपक भाई से पूछते हैं कि कितना आपको बजट उम्मीद के मुताबिक लगा? एक्चुअल में बजट जो है लगभग कैरी फॉरवर्ड ही हुआ है, इसमें कोई व्यापारी वर्ग के लिए कोई ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की गई है, टैक्स नया किसी तरीके का नहीं लगाया गया, लेकिन वैसे व्यापारी वर्ग को बड़ी उम्मीद थी कि जिस तरीके से कुछ बंद उद्योग हर मध्य प्रदेश में हर इंडस्ट्रीज एरिया में कुछ बंद फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो उसको लेकर काफी उम्मीद थी कि सरकार को ऐसी योजना लाती, उन व्यापारियों से बात करती कि आपकी जो फैक्ट्रीज बंद है नुकसान की वजह से बंद होती है। एमएसएमई के लिए बजट में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं नजर आया है। वो बंद फैक्ट्रियां चालू होती तो सरकार को टैक्स भी जनरेट होता है जीएसटी तौर पर और रोजगार भी जनरेट होता है, तो इस पर कुछ विचार करने की बड़ी उम्मीद थी व्यापारी वर्ग को, और हमारे को बड़ी उम्मीद थी स्वास्थ्य से संबंधित जबलपुर को लेके यहाँ पे बड़े अस्पताल की बड़ी उम्मीद थी कि अपोलो और एम्स जैसे अस्पताल आए ताकि महाकौशल के आसपास क्षेत्र में उसका बेनिफिट्स मिलता है। स्वास्थ्य बहुत महंगा हो चुका है, इलाज बड़ा महंगा हो चुका है, लोग बाहर जाते हैं इलाज कराने तो उनको आने जाने का टिकट, रहने का, रुकने का, होटल्स काफी महंगा पड़ता है। जबलपुर में एक बड़ा अस्पताल आने से महाकौशल क्षेत्र के लिए एम्स जैसे कोई इंस्टीट्यूट आना चाहिए, और बड़ी आईटी की कंपनियों की उम्मीद थी कि जो यहाँ कुछ आए ताकि जो यहाँ का यूथ बाहर पढ़ने जाता है तो वो बाहर ही जॉब करने लगता है, अगर यहाँ उनको आईटी की कोई कंपनियां मिलती तो वो घर में रहकर जॉब करता है, अपने परिवार वालों के साथ रहकर जॉब करता है। इस तरीके से हमारे को ये 3-4 चीजों में बड़ी उम्मीद थी, तो ऐसी कोई चेंजिंग इसमें नहीं किया गया। किसान वर्ग को और महिलाओं के लिए ये बजट जरूर अच्छा है, बाकी व्यापारी वर्ग के लिए कोई बदलाव इस बजट में नहीं देखा जा रहा। तो देखिए व्यापार जगत बहुत इस बजट को लेकर उत्साहित नहीं, उनका कहना है कि प्रीबीज महिला किसान या एससी एसटी को जरूर सरकार ने प्रावधान दिए हैं, राहत देने की काम कोशिश की है। जो बजट लोक लुभावन वोट के हिसाब से हो सकता है, लेकिन सरकार की सेहत, जनता की आर्थिक सेहत सुधारने के हिसाब से बजट उम्मीद पर खरा उतरता नहीं दिख रहा है, ऐसी व्यापारियों की राय है, सोच है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।